हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी वैकेंसी आई है न्यू वैकेंसी के बारे में। जो आपकी वैकेंसी आई है झारखंड JSSC में आपकी वैकेंसी आई है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए आपकी वैकेंसी है, जिसमें आपकी यानी टोटल जो है आपका 1000+ आपकी वैकेंसी है। उसके बारे में हम जानेंगे टोटल कितनी वैकेंसी है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट क्या आपका है, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, आपकी एग्जामिनेशन फ़ी क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डिटेल। कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने पेपर्स होंगे, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जानेंगे। तो उसके पहले बता दूं, मेरे चैनल कम ऑन क्लासेस को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपका ये जान लीजिए कि ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है, जिसके लिए आपको वेबसाइट www.jsse.nic.in पे जाना होगा। वहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका लिंक जो एक्टिवेट हो रहा है 4/1 यानी 4 जनवरी 2019 से आपका लिंक एक्टिवेट होगा। तो 4 से आप 18 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 19/2 से आपका यानी कि 19 फरवरी से 21 फरवरी तक आप जो है यानी कि परीक्षा की जो शुल्क है वो उसका भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और 22 फरवरी से 24 फरवरी तक आप जो 24 फरवरी यानी कि लास्ट आपका कंप्लीट फॉर्म सबमिट करने का डेट है, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको लास्ट जो है यानी कि आपका लास्ट डेट समझिए तो आपका फरवरी 24 फरवरी है। और अब यदि आपका उसके बाद कोई गलती हो जाती किसी फॉर्म भरने में, फॉर्म फिलअप करने में, तो आपका जो 25 फरवरी जो है 25 फरवरी से 27 फरवरी तक आपका करेक्शन का डेट है। इस बीच आप अपना फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, कितनी आपकी जो नियुक्ति के लिए आई है स्पेशल ब्रांच में, आपकी जो नियुक्ति के लिए आई है कॉन्स्टेबल के लिए, तो उसमें कितनी आपकी वैकेंसीज़ है। तो टोटल मैंने कहा था कि 1000 आपकी उससे प्लस वैकेंसी है, यानी 1012 आपकी टोटल वैकेंसी है। यहाँ पर जनरल के लिए 506, अनुसूचित जनजाति के लिए 263, अनुसूचित जाति के लिए 101, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची 1 के लिए 81, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए 61। तो टोटल आपकी 1012 आपकी वैकेंसी है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट्स आपको यहाँ पे देखिए, वेतनमान भी आपका दिया हुआ है कांस्टेबल के लिए। यहाँ पे आपका वेतनमान है 5200 से स्टार्ट है। और जो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th है, आपने 12th पास किया है, 10+2 किया, 12वीं आपने कक्षा उत्तीर्ण की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं उम्र सीमा, तो मिनिमम आपका 19 साल है, मैक्सिमम जनरल के लिए जो आपका 25 वर्ष है, SC ST कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष है, और OBC और EBC के लिए जो है आपका 28 वर्ष है। मैक्सिमम 1/8/2018 तक आपका ये एज होना चाहिए। तो हमने एज लिमिट देख लिया। और आपके पास ये जो है आपका जो स्थानीय निवासी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जिनका आपका कैटेगरीज हैं वो अपना यानी कि तैयार रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए तैयार। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका यहाँ पे टोटल यानी कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा परीक्षा का, जिसमें पहला जो आपका लिखित परीक्षा होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिर आपका मेडिकल जो परीक्षा होगा, चिकित्सीय जांच परीक्षा होगा। तो इसमें आपको जो मिनिमम आपको जो नंबर्स लाने होंगे मेधा सूची में आने के लिए, जनरल के लिए 40%, SC ST कैंडिडेट के लिए आप 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित के लिए 36.5%, और महिलाओं के लिए 32%। तो ये आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर्स लाने होंगे जो आपका मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट लिस्ट में नाम यानी कि आने के लिए मिनिमम आपका ये है। तो लिखित परीक्षा जो है आपका 2 पेपर का होगा। तो 2 पेपर में क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो 2 पेपर जो आपके बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वास्तुनिष्ठ एग्ज़ाम होंगे आपके। तो इसमें पत्र 1 में आपका हिंदी भाषा से 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान से, जनरल साइंस से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित से आपके 25 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी भाषा से आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल आपका 175 क्वेश्चन होगा टोटल पत्र 1 में, जिससे आपका यानी कि मेधा सूची का निर्धारण होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ हिंदी भाषा का, सामान्य ज्ञान का, सामान्य विज्ञान का, सभी का आपका जो 8वीं कक्षा के स्तर का आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो गणित है, विषय विज्ञान है उसका जो है आपका, और जो सामान्य ज्ञान में झारखंड से रिलेटेड भूगोल, इतिहास, संविधान, भारतीय राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, जो करंट अफेयर उसके बारे में आपको पता होने चाहिए, और अंग्रेजी में आपका वही कॉम्प्रिहेंसिव और ग्रामर्स आएंगे आपके। उसके बाद जो आपका पत्र 2, पत्र 1 में जो आपके हैं, पत्र 1 में जो है आपका टोटल पूर्ण अंक जो है आपके यानी कि 1 प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा,
सही उत्तर के लिए आपके 2 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 0.66 यानी कटौती किया जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और परीक्षा जो है आपका 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और पत्र 2 जो है आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट जो आप चुनते हैं उसी सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको 33% लाना है, बस आपको पास करना है, उसमें क्वालिफाइंग है ये। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, मुंडारी, जो भी आपका यानी कि सब्जेक्ट भाषा है वो आप चुन सकते हैं। उसके बाद जो है आपका यानी कि जो निर्धारण होगा मेरिट लिस्ट का, वो द्वितीय पत्र से ही निर्धारण होगा। और जो आपका सेकंड जो पत्र है उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और जो घंटे का समय आपका परीक्षा का दिए 1 घंटे का होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो आपका यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो उसमें क्या क्या है, उसमें शारीरिक मापदंड क्या है, तो यानी कि मेज़रमेंट क्या है, फिज़िकल मेज़रमेंट क्या है। तो जनरल के लिए जो है न्यूनतम आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए ये आपका जो यहाँ पे यानी कि चेस्ट दिया हुआ है पुरुष के लिए, ओनली मेल के लिए कैंडिडेट के लिए होता है, तो जनरल के लिए 81 है। और ST कैंडिडेट के लिए आपका 79 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 81 है न्यूनतम। और जो आपका हाइट है जनरल के लिए 160 है, अनुसूचित जाति के लिए 155 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 है, अनुसूचित जाति के लिए 155 है, और पिछड़ा वर्ग और जो आपका ST ABC और OBC है उसके लिए आपका 160 है। और महिलाओं के लिए जो आपकी न्यूनतम हाइट है 148। तो ये आपका हो गया। उसके बाद शारीरिक मापदंड, उसके बाद शारीरिक जांच देख लेते हैं। तो आपका जो इसमें एग्ज़ाम होगा, शारीरिक जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें जो है आपका 1 मील का दौड़ है पुरुष के लिए 7 मिनट में आपको यानी कि दौड़ना है, 1 मील का दौड़ 7 मिनट में पूरा करना है। और ऊंची कूद जो है 4 फीट का होगा आपका पुरुष के लिए, लंबी कूद जो है 12 फीट का होगा, और गोला फेंक जो है 16 पॉइंट का 15 फीट आपको फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए जो है आपका 1 मील का दौड़ जो है आपको 10 मिनट में पार करना होगा, ऊँची कूद और लंबी कूद नहीं है, और जो आपका गोला फेंक है 16 पॉइंट का 10 फीट को आपको यानी कि 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। और यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ शारीरिक जांच के लिए कोई अंक दायरी नहीं होगा, बस ये आपका शारीरिक जांच होगा और उसके लिए आपको सफल होना होगा, इसमें क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई इसमें करना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा जिसमें आपके शारीरिक बनावट को देखा जाएगा, धनु पैर, समतल पैर, सब चीज़ सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा आपका, यानी कि आपका हियरिंग कैसा है, नाइट ब्लाइंडनेस कैसा है, सभी चीज़ों के बारे में आपका यहाँ पे मेडिकल जाँच होगा। उसके बाद जो आपका यानी टोटल हमने देख लिया कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या आपका पैटर्न होगा, कैसे आपका मेधा सूची में नाम आएगा, किसके बेसिस पे। और मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ कि जो मेधा सूची के लिए जो आपका यहाँ पे है, यदि आपने रक्षा शक्ति से कहीं यानी कि रक्षा शक्ति जो आपका यूनिवर्सिटी है उससे आपने कोई डिग्री लिया होगा या किसी ने डिप्लोमा किया होगा इससे रिलेटेड, तो आपको इसका वेटेज दिया जाएगा, एडिशनल मार्क्स आपको मिलेंगे इसके। तो आपके डिस्टिंक्शन होंगे तो 10% मिलेगा, फर्स्ट क्लास होंगे तो 8%, 8 नंबर मिलेगा, सेकंड क्लास होंगे तो 6 नंबर मिलेगा, और पास क्लास होगा तो 4 नंबर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको इसका आप जो यानी कि जो प्रति होगा वो प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। डिग्री या तो डिप्लोमा कोई भी कोर्स आपने किया होगा आरक्षी पद के लिए तो आपको ये मिलेगा, 4 से 10 टोटल आपका वेटेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका टोटल हमने देख लिया कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका 800 रुपया है, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 800 रुपया है, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए आपका 800 रुपया, और ST कैंडिडेट के लिए आपका 200 है, ओनली 200 आपका यानी कि एग्जामिनेशन फ़ी है। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके लिए आप www.jssc.nic.in पे जाके क्लिक कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर SBCCE 2018 पे क्लिक करके जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वो आपका स्टार्टिंग जो हो रहा है आपका 4/1 से, यानी कि 4 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, 4 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं 2019 से। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, गॉड ब्लेस यू।